मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। भारत के यशस्वी और युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये उन्हीं का दूरदर्शी नेतृत्व था कि समय रहते उन्होंने इस संकट को पहचाना, इसकी गहराई को जाना और उससे बचने की रणनीति बनाई। उनके पीछे सारा देश खड़ा हो गया। आज उन्हीं का नेतृत्व है कि जिसके कारण हम कोरोना संकट को देश में नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। ऐसे संकट काल में मोदी जी का नेतृत्व भारत को भगवान का वरदान है। उन्हीं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी हमने कोरोना के संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया है। प्रदेश में 1 अप्रैल को पॉजिटिव केसेस के दुगने होने की अवधि 3 दिन थी, जो 1 मई को बढ़कर 14 दिन हो गई। अब यह दर 17.2 दिन है और जल्दी बढ़कर हम इसको 20 दिनों तक ले आएंगे। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर रिकवरी रेट दिनांक 1 मई 2020 को 19.03% थी, जो दिनांक 18 मई को बढ़कर 46% से भी अधिक हो गई। लेकिन संकट अभी टला नहीं है, खतरा भी है, सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तरफ प्रदेश में जहां ऐसे जिले हैं जहां पॉजिटिव केसेस पहले आए लेकिन वहां की जनता की जागरूकता ने, अनुशासन ने, प्रशासन द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाओं का पालन किया और जिसके कारण वो 9 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे उदाहरण भी है, 1 केस आया किसी जिले में और असावधान अगर रहे तो 1 से बढ़कर 100 होने में देर नहीं लगी। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थाएं सारी हमने बनाई है। आज 35,000 से ज्यादा बेड हमारे पास तैयार है। भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े, इनकी संख्या बढ़ा के हम 83,000 तक ले जाएंगे। लेकिन सावधान जरूर रहे मेरे प्रिय बहनों और भाई। इस कोरोना के संकट में तब जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, हमने अपनी जनता को, समाज के हर वर्ग को कोई दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए अनेकों कदम उठाए। अलग अलग योजनाओं में गरीब को, मजदूर के खाते में, बच्चों के खाते में, किसानों के खाते में, माताओं बहनों के खाते में लगभग 16,000 करोड़ रुपया डाले गए हैं। मध्य प्रदेश के मेरे मजदूर भाई और बहन जो दूसरे प्रदेशों में थे, लगातार उनको हमने वापस लाने का प्रयास किया, क्योंकि मजदूर का मन बन गया एक बार घर लौटना है। 91 से ज्यादा ट्रेनें आज मध्य प्रदेश लौट चुकी है मजदूरों को लेकर, उनको बसों से अपने घर पहुंचाते हैं। हजारों बसों से आसपास के प्रदेशों से हम मजदूरों को लेकर आए हैं
उनको उनके घरों पर पहुंचाया है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भी बसों के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का काम किया गया है। मैं अपने प्रवासी मजदूर भाइयों से ये कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, तुम अपने प्रदेश में आए हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे, प्रदेश की सरकार करेगी, उनको राशन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, बिना राशन कार्ड के उनको राशन दिया जाएगा, पंचायत तत्काल उनके जॉब कार्ड बनाएगी ताकि उनको मनरेगा में तत्काल रोजगार मिल सके। और मेरे प्रवासी मजदूर बहनों और भाइयों, हमने ये फैसला भी कर लिया है कि आपको संबल योजना की पात्रता होगी। संबल योजना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो जिंदगी की गरीब की हर आवश्यकताएं पूरी करता है। संकट का समय है, टल जाएगा, निकल जाएगा। मैं अपने बाकी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये मत समझना कि प्रवासी मजदूर भाइयों बहनों के कारण कोरोना फैलता ही है। ये बात सच है कि कुछ पॉजिटिव केस आए, लेकिन उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, वो स्वस्थ हो रहे, वो हमारे भाई बहन हैं, उनका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। लेकिन केवल अपने प्रदेश के मजदूर नहीं, बाहर के प्रदेशों के मजदूर भाई और बहन बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल है, दक्षिण के राज्यों से, पश्चिम के राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर भाई बहन अपने अपने प्रदेशों में जा रहे हैं, अलग अलग साधनों से आए, कई तो पैदल ही निकल पड़े, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रक, जो साधन मिला, एक बार धुन लग गई कि एक बार अपने प्रदेश जाना है। हमने इन दूसरे प्रदेशों के अपने मजदूर भाइयों और बहनों की भी चिंता की, क्योंकि वो भी तो भारत माता के ही बेटे बेटियां हैं। हमने तय किया मध्य प्रदेश में अगर कहीं से हमारे प्रवासी मजदूर और भाई और बहन प्रवेश करेंगे तो मध्य प्रदेश में उनको पैदल नहीं चलने देंगे, बसों के माध्यम से जिस प्रदेश के वो हैं बॉर्डर के प्रदेश, उस प्रदेश की बॉर्डर तक उनको छोड़ने का काम हम करेंगे। 1000 बसें रोज इस काम में लगी है प्रशासन ने, सरकार ने, और मध्य प्रदेश की जनता ने कमाल कर दिया। भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अतिथियों जैसा सत्कार हमारे दूसरे प्रदेश के मजदूर बहनों और भाइयों का हमने किया है। और कई जगह तो समाज सेवियों ने उनके पांव में जूते चप्पल तक पहनाए हैं। मध्य प्रदेश की धरती से कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई पैदल नहीं जाएगा, ये हमारा संकल्प है और आपके साथ मिलकर हम इसको पूरा करेंगे। अगर दुर्घटना कहीं हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश के भाई और बहन औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आए, हमने तत्काल उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। केवल मध्य प्रदेश के नहीं, अभी कल की घटना है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नाबली ब्लॉक के एक गांव में पति पत्नी अपनी 4 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, ताले की चपेट में आ गए, पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, 2 बहनें चली गई, केवल 2 छोटी छोटी बेटियां बची, लेकिन वो बेटियां अनाथ नहीं है, हम उनके संरक्षक हैं। हमने व्यवस्था की है कि हम 13 लाख रुपया उन दोनों बेटियों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे और 1 लाख रुपया बैंक के खाते में डाल के उनकी तात्कालिक खर्चे की व्यवस्था करवाएंगे। संकट के समय जो काम ना आए वो काय की सरकार है। बहनों और भाई, केवल अपने प्रदेश नहीं, बाहर के प्रदेश के भाई और बहन
भगवान ना करे उनको कोई कष्ट या तकलीफ हो, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हुए, हमने तय किया उनमें जो नहीं रहे उनके आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की राशि, घायलों को 25,000 रुपए की राशि, उनके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। संकट के समय हम सब एक हैं उनके साथ। मेरे किसान भाइयों, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीदा है, ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 10,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में पहुंच चुका है। और बाकी गेहूं की चिंता मत करना, एक एक दाना खरीदेंगे, ये हमारा संकल्प है। बाकी उपज सरसों, चना, मसूर, उसको भी खरीदने की कार्रवाई चल रही है। 0% ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है। 2,290 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना की अभी दी है 15 लाख किसानों के खाते में, और 18-19 की है ये, 19 और 20 की भी प्रक्रिया जल्दी पूरी करके फसल बीमा योजना का पैसा उनके खाते में डाला जाएगा। मेरे किसान भाइयों, मैंने आपको आश्वस्त किया है कि आपके गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है जब आपको SMS जाए तभी अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचें और वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब 2 गज की दूरी का पूरी तरह से पालन करें। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने वाले बहनों और भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 2 गज की दूरी का पूरी तरह से पालन करें, भीड़ ना लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहे इसकी कोशिश भी की जाएगी। अब 10वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे, जो पेपर दे दिए उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। 12वीं के बचे पेपर जरूर 8-16 जून के बीच होंगे, और इस अवधि में स्कूल बंद रहे हैं तो वो ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क पालकों से नहीं वसूलेंगे। हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में भी विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण का भी काम हम कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के साथ प्रदेश की सरकार खड़ी है, और भारत सरकार ने जो पैकेज दिया है उसको भी आदर्श रूप से हम जमीन पर उतारेंगे। लेकिन अभी सावधान रहना है। लॉकडाउन 4, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अलग रंग में और अलग रूप में होगा। हमको सावधान तो रहना है, लेकिन जान के साथ जहान भी बचाना है, आर्थिक गतिविधियां चालू करना है। और इसलिए मध्य प्रदेश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से, मध्य प्रदेश की जनता से, अलग अलग वर्गों से बातचीत करके लॉकडाउन के नए स्वरूप को तय किया है। अब मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे, 1 ग्रीन और दूसरा रेड। और ग्रीन और रेड दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया होगा। अब मैं आपको इन जोन्स में कौन सी चीजें होंगी, कौन सी नहीं होंगी, उसकी जानकारी दे रहा हूं। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में, मतलब रेड और ग्रीन, गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी। इस समय, मतलब शाम 7 से सवेरे 7 तक, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन, मतलब बस सेवा, अभी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी। 1 सप्ताह बाद हम फिर रिव्यू करके अगला फैसला करेंगे। अब रेड जोन में जो इलाके सम्मिलित है उसको आप ध्यान से सुनिए। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहाँ शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र, ये रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन में होंगे। आगामी आदेश तक यहां बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद सप्ताह भर बाद समीक्षा करके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिषद की दुकानें तथा बाजार में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों को रोकने में उपयोग किए जा रहे होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन्स, ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जिनका उपयोग भोजन की होम डिलीवरी में हो रहा है, खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, यहाँ खिलाड़ी जाएंगे, दर्शक नहीं जाएंगे। सभी प्रकार का माल परिवहन जारी रहेगा। खाली ट्रक्स भी आवाजाही कर सकेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों
और सफाई कर्मियों का आवागमन जारी रहेगा। उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय व निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित होंगे, आधी क्षमता से संचालित होंगे। ग्रीन जोन में, जो दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, होटल मॉल्स वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह, उनको छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां चालू की जाएंगी। मसलन दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी शासकीय कार्यालय, निजी वाहन से आवागमन, ये पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं कि यदि कोई ग्रीन जोन है, वहां पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे, तो वो रेड जोन में आ जाएगा। और इसलिए ग्रीन जोन में आने वाले सभी बहनों और भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपना जिला, अपना शहर ग्रीन जोन में बना रहे, इसलिए सावधानियां जरूर बरतें। दोनों जोन में हमारे बुजुर्ग, जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो, वे भाई बहन जिनको कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं, गर्भवती बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको घर में रहना ही उनकी जीवन के लिए आवश्यक है। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रीन जोन में भी जहां आवागमन चालू होगा या बाकी स्थान पर जहां अनुमति है जाने की, सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थल पर फेस कवर, मास्क, चाहे वो रुमाल का हो, चाहे वो आपके अंगोछे का हो, उसको पहनना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थल पर अगर किसी ने थूका तो जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह नहीं होंगे, लेकिन विवाह में होंगे अधिकतम 50 लोग दोनों पक्ष के शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान तंबाकू खाना, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों पर, जहां सारे बाजार खुल जाएंगे ग्रीन जोन में, वहां भी ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वार पर और प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी। पूरे कार्य स्थल का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा। लंच ब्रेक इत्यादि के समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनौती तो है, लेकिन इसको अवसर में बदलना है। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मैं पूरा खाका तैयार कर रहा हूं और जल्दी उसका ड्राफ्ट लेके आपके सामने आऊंगा। हम आत्मविश्वास से भरे हैं, संकट से डरे नहीं। हम धन की कमी की बात भी नहीं करेंगे, हम धन की व्यवस्था भी करेंगे। तेजी से हम हमारे जो ढांचा है
उसको खड़ा करने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर कार्यों का प्रारंभ करेंगे। एक नहीं अनेकों योजनाएं दिमाग में हैं जिनको कार्य रूप देंगे। हम सब मिलके आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें पूरी सावधानी के साथ कि हमें कोविड के साथ कोरोना के साथ जीना भी है लेकिन आर्थिक गतिविधियां चालू रखना भी है ताकि जिंदगी की रफ्तार ना रुके और हम इस काम को संतुलित रूप से संतुलन बना के करेंगे। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। इस संकट के अवसर को चुनौती में बदल के एक नया मध्य प्रदेश हम खड़ा कर देंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।